Hey guys, what's up? We are telling your followers that you have started a live video. Okay guys, I'm really excited for today's live chat. I'm being very honest because we are going to talk about unseen hero जो हमारे लिए हमेशा रहते हैं, हमारे लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं काम करने के लिए, हमारी हर एक हेल्थ को लेके, हमारी सुंदरता को लेके, हमारे स्वस्थ जीवन में अगर किसी का राज है तो आई थिंक दैट आई फील दैट आफ्टर मदर इट्स कैन बी ओनली अ डॉक्टर. एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो भी सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियों के द्वारा हम अब तक बहुत सारी चीजें और मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. सो या गाइस, ओके, आई एम कमिंग टू नॉर्मल दिस थिंग. सो यस, टुडेज एपिसोड इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट पर्सनल. हाय मन्ना, इट्स गोना बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट COVID-19 एंड आई विल बी टॉकिंग टू आर रियल लाइफ हीरो. Yes, Dr. Agnish Patiyal I'm going to talk to, and I will be asking him all most of the questions related to COVID-19. He is a very renowned doctor, very big doctor, and I would say that ki bahut difficulty ke saath hume unka time mila hai aaj ke liye. Agnish Patiyal ji ka, he's an ENT surgeon and बहुत सारी चीजें अगर मैं बोलना चाहूंगी, मैं बोलने के लिए मुझे ऐसे लग रहा है लंबा सा इंट्रोडक्शन दूं, बट आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट यस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट हिज टाइम एंड ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट इन मुंबई एंड वर्किंग विद सच अ बिग हॉस्पिटल. एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट द ऑडियो पार्किंग नेक्स्ट टू मी बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड. And so we will be asking about the COVID-19. We will ask him about the basic question about related to our day-to-day routine life and about his liking, disliking. Or वो इस पेंडेमिक में और ये सारी कोविड पेशेंट्स के साथ वो कैसे डील करते हैं, वो सारी चीजों के साथ वो किस तरह से बर्ताव करते हैं, और हमें उन मैसेजेस के थ्रू वो और क्या इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमें क्या क्या अपने आप को लेकर प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो सारी चीजों को लेके आज हम उनसे बात करेंगे. एंड प्लीज वेलकम आवर गेस्ट ऑफ टुडे, अग्निश पटियाल. एंड और एक बात मैं ये बोलना चाहूंगी आपको कि हम घर बैठे हैं और हम सेफ हैं, बट बहुत बार हमारे साथ ये भी होता है कि हम उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, हम उन लोगों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और हमें हमारे मूड स्विंग से कैसे डील करना वो भी नहीं समझ आता है. बट इमेजिन डॉक्टर्स हु आर गिविंग देयर बेस्ट एंड नॉट इवन गिविंग अ थॉट अबाउट देयर लाइफ एंड देयर फैमिली, स्टिल वर्किंग फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोवाइड देयर बेस्ट एंड उसके बावजूद भी हम उनकी बातों को कहाँ सुनी कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं उतनी. तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम इतने ना समझ तो नहीं है, और हमें इतने ना समझ होना भी नहीं चाहिए. वी शुड इनफैक्ट सपोर्ट एवरीवन, वी शुड टेल एवरीवन अबाउट एंड वी शुड स्प्रेड मोर अवेयरनेस. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, आपको कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट इज योर डे टू डे रूटीन लाइफ से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप फाइंड आउट करें और क्वेश्चंस में डालिए, कमेंट सेक्शंस में डालिए. वी विल डेफिनेटली आस्क हिम एंड ट्राई एंड नो मोर थिंग्स अबाउट हिम. लाइक आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माइग्रेन एंड अबाउट साइनस, क्योंकि हम जब कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए
वो सारी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग उतना बेहतर ख्याल नहीं रख पाते. लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई शेयर माय प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस. लॉट ऑफ टाइम इट हैज हैपेंड दैट हे करण आई एम एब्सोल्युटली फाइन थैंक यू. बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं मुझे ग्लिसरिंग लेकर लेकर मुझे साइनस इश्यू बहुत हो गया है और मेजरली आई हैव फेस दिस. मुझे ये काफी सालों से मेरे साथ है. सो मुझे समझ नहीं आता था कि वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ ग्लिसरिन या इट इज बिकॉज ऑफ मेरी ब्यूटी का राज. कारण मेरी ब्यूटी का राज तो मैं बताऊंगी आपसे जल्दी. वैसे आई एम योर टॉकिंग अबाउट COVID-19 टुडे करण, एंड आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि हमें घर बैठे हम जो न्यूज पे देखते हैं कि आज नए ये इतने केसेस मिले हैं, आज इतने लोग को COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है, उतने में ये इतने नंबर है जो जो ठीक हुए हैं. बट एट द सेम टाइम हमें ये नहीं पता चलता कि कोई ठीक हुआ है. हमें ये भी नहीं पता चलता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है. हमें ये भी ठीक से नहीं समझ आता है कि इन लोगों को ट्रीटमेंट कैसी दी जाती है. लाइक आई ऑनेस्टली हम जब बाहर जाते थे तो स्पोर्टिंग के लिए, जब हमारे जो कैमरामैन्स थे, हमारे जो सारे फोटोग्राफर्स थे, दे यूज टू बी ऑलवेज देयर एट द स्पॉट बिफोर वी रीच, सो दैट हमारी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कौन कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहा है सब अब तक पहुंच जाए आराम से. बट मोस्ट ऑफ द रिपोर्टर जो ये COVID-19 के दौरान काम भी कर रहे थे, वो लोग जो COVID-19 के, उनको आई थिंक मोर देन 60 रिपोर्टर्स को पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था. एंड दैट वाज वेरी मुझे बहुत इस बात से बुरा लग गया था कि यू आर सर्विंग बेस्ट टू योर ऑडियंस, टू योर नेशन, टू योर पीपल, बट स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो सोचते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है. एंड लाइफ विल ऑलवेज गिव यू सरप्राइजेस, लाइफ विल ऑलवेज गेट यू समथिंग दैट यू नो यू हैव नेवर एक्सपेक्टेड. मैंने आई थिंक 4 दिन पहले की बात है, मुझे तो लगा कि अब आई थिंक लॉकडाउन खुल ही जाएगा, और मुझे उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि लोग आज भी समझ नहीं रहे हैं इस बात की सीरियसनेस को कि घर पर बैठे स्पेशली अपना ख्याल रखे, स्पेशली अपने लव्ड वंस का ख्याल रखे, स्पेशली इन चीज़ों का ख्याल रखे कि कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों को जिस तरह से झेलना है, इन सारी चीज़ों को अपने आप में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं लेकिन हम खुद नहीं करते, तो हमें इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेके समझना चाहिए. एंड हमें आज डॉक्टर से सवाल हो, देन वी शुड शेयर इट विथ हिम, वी शुड टॉक टू हिम, वी शुड आस्क मोर एवरीथिंग रिलेटेड टू नोज, ईयर्स एंड योर थ्रोट. व्हाई? आई टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि हमें मास्क पहनकर बोला गया है कि हाइड योर माउथ एंड योर नोज, क्योंकि इन्फेक्शन छूने से फैल रहा है, और छूने से भी अगर फैलता है तो मुझे आज भी ये जानना है दैट कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है, पॉजिटिव मिला है. मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक डॉक्टर पटियाल विल बी द राइट पर्सन टू गाइड अस अबाउट COVID-19 बिकॉज ही इज द बेस्ट डॉक्टर इन मुंबई फॉर ENT. एंड आई वुड स्टिल से आई थिंक ही इज इन अ बैड नेटवर्क, ही इज ट्राइंग टू कम ट्राइंग या ओके. आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट ही इज इन अ बेड 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 बेड
network area. So, but he's still trying to manage. And जब मुझे पता चला था, जब मैंने उनकी डिफिकल्टी से टाइम लिया था, तो उन्होंने, हे हाय अग्निश, फाइनली Hey. आई हैव यू. हाय, I'm so happy to have you here. थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच. आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन माई शो. Thank माई you, thank you, माई thanks a ऑडियंस lot. वर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट यू कमिंग ऑन द शो. दे हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो आई आस्क्ड देम टू My मेंशन इट इन द pleasure. कमेंट सेक्शन. My pleasure, my pleasure. Definitely. Tell me, how can I help you? How is it going with you all? In this testing एवरीथिंग time, I यार, must say. माई लॉकडाउन इज गोइंग ऑन सिंस सेप्टेम्बर. So I was part of the show and now I'm again in lockdown situation. But luckily I have Okay. my phone and everything available and my loved ones around me. So yeah. That's great. That's great. I think You tell phone us, is the I only told you. lifeline what people are having. Just imagine if lockdown was there without people having phones. Oh my How would God. that be for them, you know? Oh Half yeah. of them would have committed suicide by now. No, Yeah. I don't think so. But a Yeah, lot of people are facing network issues also these days. People are saying that, अरे yeah. हमारा वाईफाई नहीं काम कर रहा है. So even I had the same issue. I think the when I started when I had Joven on my show last to last week, so Okay. he's with we faced the same problem. तो मेरे Okay. यहाँ नेटवर्क नहीं था एंड ही वाज सिटिंग इन द माउंटेन, सो ही कुडन्ट मेक इट. वेल, I थैंक यू hope सो we मच have अग्नि फॉर I कमिंग hope ऑन we have दिस best of the शो. network right now. Yeah, I'm happy and I was little scared that कि आप अगर नेटवर्क इश्यू फेस करोगे तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊंगी आज. नहीं. तो अग्निश, आई रियली हैड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच. My pleasure. इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी आपने टाइम दिया, फॉर दिस इज वेरी My वेरी pleasure, इम्पोर्टेंट. my थैंक यू pleasure. सो मच फॉर दैट. एंड Yes, I already have two, three things, very, very important question to ask. क्योंकि हम तो सब यहाँ से मास्क लगा के चले जाते हैं, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें आज भी मिलते हैं जो COVID-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं. लाइक आई वन ऑफ माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड देवोलीना, उनके कुक को COVID-19 हो गया, बट आई डोंट नो हाउ. ओके. एंड वो कोई ऐसी सराउंडिंग में नहीं थे, बट यस ही यूज टू गो आउट टू गेट द राशन एंड ऑल. But still, ओके. he's quarantined in some, he's staying in some hotel and people are taking या care of या him. या So how do you get to know that कि अच्छा ये कोविड पेशेंट है, ये कोविड पेशेंट नहीं है? एंड इज देर एनी 1, 2, 3 स्टेज? बिकॉज अभी बीच में मुरानी डॉटर को भी, मिस मुरानी को हो गया था, एंड देन लेटर दे फाउंड दैट यू नो अब नेगेटिव आया है. कुछ 1, 2, 3, 4, 5 रिपोर्ट्स होते हैं, एंड देन कनिका को फाउंड पॉजिटिव. नाउ शी इज एक्चुअली फाइन टच विद. या व्हाट आर द सी सिम्टम्स? व्हाट हैपेंस इज बेसिकली वी हैव टू फाइंड फॉर द की सिम्टम्स. व्हाट आर द की सिम्टम्स? नंबर वन इज फीवर, कॉफ और सम ब्रेथलेसनेस और ब्रीदिंग डिफिकल्टी और समथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन अदर सिम्टम्स दैट वी हैव टू लुक इनटू. पेशेंट मे हैव अ हेडेक or maybe a muscle pain, or there may be chills or shivers. He can have a loss of taste or loss of smell. He can have some other factors as well, sometimes even diarrhea or skin rash or some discoloration of the digits. So these are all the basic things that we have to ask the people. But many a times, many people are asymptomatic about it. That means they would not be having any symptoms, yet they can be positive. This is also found out, especially in the healthy population, young population, population who are otherwise healthy, not having any other ailments or diseases like blood pressure, diabetes and all, you know. So we have to be extra careful when we are seeing any patient in our OPD. We have to take this into regard that that patient might be positive. So that's why we have to wear all that personal protective equipment and everything, you know. Like if I say today that I am feeling that मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं दैट आई माइट बी COVID-19 पॉजिटिव, देन हाउ विल आई गेट द सेम ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट इज हैविंग? और आई विल हैव टू गो थ्रू सम टेस्ट एंड दे विल चेक एंड दे विल लेट मी नो, और दे विल जस्ट कम एंड सील द बिल्डिंग डायरेक्टली? No, they won't be coming and sealing the building unless the COVID test has come out to be positive. Initially, when the symptoms are there, this can be not only COVID but even normal cold that we can have. You know, sometimes you can have allergic symptoms, sometimes you can have normal congestion or something which is giving rise to, you know, sneezing effect,
and you, because of the scare factor which is now generated because of the current scenario, people think that they might be having COVID. So that's why they get a little you know, paranoid about this particular fact. So many times we are getting these calls on the phone, you know, and we tell them, please stay rested and don't take so much of stress, and just general medication what you can have for the cold you can give them, and just in case if you're not getting better in day or two, and certain other factors are there, history of, you know, a travel, or maybe in vicinity to somebody who's come out to be positive, a contact history. So these are all the things which are likely to be asked. So if these things are positive, then we can advise them to go and get the COVID-19 test done. Okay. So once the report comes out to be positive, then he is a COVID patient. Then he has to go to the hospital and get admitted, depending upon what the situation is. Like that it is. Okay. So not everybody who is having sore throat and sneezing is going to be COVID-19 patient. I have had so many of them, I got them tested and they came out to be negative. But at the same time, there is a different side to the coin. Even if patient is not having symptoms, he can still be positive. We have come across those patients as well. Okay. That is also there. So it is not a dictum that if you have these things, you're going to have this. Even asymptomatic. And many of the healthy and young individuals are asymptomatic. So that is the threat basically them? For this. Sorry. Yeah, you are asking? How do you consult them? Like, if you have to meet somebody, so you go personally? Or See, if somebody is having just mere issues of sneezing, sore throat or something of that sort, we consult them on phone. This can be a teleconsulting. Okay. Because what happens is, there is a different thought about it. What happens is, if the patient is by any chance positive, and he's coming to any particular doctor and seeing him just for the sore throat. But if he is positive, he is likely to infect whosoever is sitting over there, as well as the healthcare personnel as well. So if that thing happens and the healthcare personnel, he gets positive, then he will not be able to render his duty at least for a couple of weeks till the time he comes out to be negative. So this is a major risk, not only for the patient or the other people who are sitting, but also for the doctors. So that's why these patients are initially consulted on phone. If they are not responding, things are getting worsened, then we have to call in for the test. And when you go and check, firstly, give them attention, and you have to attend, definitely you have to go on the round, or maybe you stay at the hospital only, or you have to come back. You can come back home and you can have your normal life. How do you see, what life? I mean, like, your family must be in stress, I'm sure. No. Basically, what happens is all these duties are segregated. Now, if somebody is there for the COVID-19 duty, for the positive patients, it's a different scenario. Or people who are going for other duties, that is a different scenario. If you are posted for COVID patients exclusively, then you are not seeing other patients. You have... Then you go back and you are isolated. You cannot go back home because you're already exposed to the positive patient. You cannot go back home at the risk of infecting your, close ones at the home, especially when you have children and elderly people, you know. So you go back to either a hotel or some accommodation which is arranged by the hospital. Then the other day, you again go back to the duty. And when your turn is over, say by 10 days, you're constantly worked for 10 days. Then after 10 days, a swab is taken. If that is negative, you can go. Rest and then come back again and join the duty. And if by hard luck, if you come out to be positive, then you are admitted. Then one healthcare person is down, then another healthcare person has to come in. But lockdown, I am facing a lot of mood swing issues. I'm being very honest. Or आपको नहीं ऐसा मन करता होगा दैट व्हाट इज दिस डे, देयर इज नो रूटीन लाइफ, देयर इज नथिंग, कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ जा सकती है, एंड यू जस्ट हैव टू बी देयर विलिंगली, यू गाइस गो. नो, इट इज सीरियसली वेरी डिफिकल्ट. सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर देयर, यू आर नॉट ओनली देयर एज अ पर्सन, बट यू आर वेयरिंग सो मेनी अदर थिंग्स लाइक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हिच इज लाइक अ बिग लोड शेड ऑन यू. With the headgear and goggles, mask and everything all together. Even if you want to go to the loo, it is not possible. It is just as good as you are doing some serial wherein you have to wear so many dresses. It's very difficult to manage other things the same way. I only knew about the glasses and the headgear.
No, the whole suit we have to wear, no? It is the suit along with the gloves, along with that headgear, along with the gogs, if at all we are wearing inside, and the mask and the gloves. And then we are seeing the patients. Hats off to you guys. आप लोग इतनी डिफिकल्टी से, That पर देर आर लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, डोंट यू फील दैट कि ये लोग सुनते नहीं है, बिकॉज डॉक्टर हैव दैट थिंग इन देयर, एक उनके अंदर की माँ जाग जाती है. तो तब आपको ऐसा मन नहीं सीरियसली करता कि मैं ये सब हाउसफुल जो लेडी थी सिचुएशन इसको है, डॉक्टर और बता अभी दे. ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन इज लाइकली टू वर्सन. केसेस आर इंक्रीजिंग, दे आर बाउंड टू इंक्रीज. एंड नाउ वी हैव आल्सो रिसीव्ड सम ईमेल्स फ्रॉम दी यू नो महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल अबाउट द अवेलेबिलिटी इन फ्यूचर टाइम. सो दे आर आस्किंग वॉलंटेरली इफ समबडी ऑल द डॉक्टर्स हु कैन कम एंड हेल्प देम, बिकॉज द केसेस आर आई मीन इट्स अ स्पेकुलेशन दैट द केसेस आर गोइंग टू राइज अप एंड वी हैव टू बी ऑन अवर टोज. पर ऐसे सो अभी दैट्स भी व्हाई इट इज वेरी बहुत इंपॉर्टेंट. सारी जगह है जहां पर लोग समझते ही नहीं है, दे पर्सनली अटैक पीपल, एंड जब डॉक्टर्स लेने जाते हैं तभी भी. तो हाउ डू यू, आप उनसे कैसे डील करते हो? तो वो पेशेंट जो आना नहीं चाहते, मे बी जो भाग जाता है, उनसे कैसे डील करते हो आप? पेशेंट जो आना नहीं चाहता, जो भाग जाता है, हम लोग कुछ डील नहीं कर बिकॉज सकते. वो तो चला गया, हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देते हैं. वी इन्फॉर्म एवरीबडी, वी इन्फॉर्म इन अवर ग्रुप्स, द डॉक्टर्स ग्रुप एंड ऑल दोस थिंग, द नेम एंड द पेशेंट एंड एवरीथिंग. इफ ही इज कमिंग टू ही इफ ही इज हैविंग सम मेडिकल प्रॉब्लम, ही हैज टू गो टू सम हॉस्पिटल. सो द हॉस्पिटल शुड हैव प्रायर इंटीमेशन सच एंड सच पर्सन इज देयर, स्पेशली इफ यू गो टू सी सम इफ सम प्रेग्नेंट वुमेन इज देयर. सो ऑल दोस पीपल आर ऑलरेडी इन्फॉर्म. सो वी ओके, हैव एंड टू ऑल डू आवर दैट मच ऑफ सीनियर वर्क. या सिटिजन, would you like to give some kind of advice to them जिन्हें high diabetes हो? Because my mother has it and she's got a BP issue and not all the time she can't wear mask and at some emergency उन्हें कभी ऊपर नीचे करना पड़ता है. So अगर for them, for that kind of डायबिटीज है, people. डेफिनेटली इफ यू हैव डायबिटीज, इफ यू हैव ब्लड प्रेशर, यू हैव टू मेक इट श्योर दैट इट इज इन गुड कंट्रोल. इफ इट इज नॉट इन गुड कंट्रोल, यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग यू, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इट इज नॉट इन गुड कंट्रोल, देन यू इज ओके नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, especially when you're elderly. Who are the, see, we have high risk groups basically for this virus infection. Who are the high risk group? People who are more than 60 to 65 years of age, or people who have pre-existing conditions, or things like, you know, somebody can have a pulmonary condition like asthma or COPD, or somebody can have blood pressure, diabetes, cardiovascular problems, or somebody can have cancer or other or immunological condition like HIV. You know, somebody can have treatment going on like steroids, which is going to suppress the immunity. So these are all the high-risk patients, and they have to be extra careful. They really have to be very, very vigilant about following all the norms which have been told, which everybody is almost aware about. Like you have to wear the mask, don't go out in the public, follow the lockdown, don't go out in the public, maintain social distance, wash your hands, do not touch your face with your hands. That is the most important thing. And the hygiene factors, as in if you're getting sneeze or cough or something, you have to sneeze on your elbow. If you have a tissue paper, sneeze on the tissue paper and just discard it off. See, because these people, if they get the infection, it will be very difficult for them. True Because that. they can likely go into the severity of the disease, which is like pulmonary function failure and hypoxia, requiring ventilation. To be on ventilator is not a good thing. Yeah, The idea I is agree. that, see, as far as the disease is concerned, 80% of the people, they may be you know, coming out of the disease without any severity, you know, minimal symptoms, and they are coming out of the disease. The rest of the 20%, especially people who are elderly, they go into complications. They are the one who are hospitalized initially in the wards, and if things are not favoring, then in the ICU. Once you are in the ICU, it's like a very bad task. So like that. So it's a bad story. I mean, people must be aware about all these things. So many things are going on in Europe as well as US, which is sharing the maximum burden of this particular thing. Almost 13 lakh people have come out to be positive, 77,000 of deaths, which is not a small figure Yeah. at all. And a powerful country like US facing this, it's a big lesson for the whole of the world to learn. True, So very that's true. why our Prime Minister has done a very good job to And put on up the time. lockdown on time. Yeah, and you know, managing 1.3 billion of population following this is not a small thing. So hats off to this particular thing which has happened to us.
Prime Minister Modi and everybody following it. It's not a small thing, and everybody Yeah, but followed it. people are. It's a good thing. Yeah, thank you. Yeah, but And if you go to see, you're correct. Right now, also, if you go and see the market, I mean, people slowly, slowly, they forget the things, especially the young ones. You will see them getting close to each other. They're wearing the mask. Mask is here and there, and they're holding hands. This is not something that you're supposed to do. All yes. those people should be made to go and visit the hospitals where all the patients are lying in the ICU, you know, waiting for the death and, you know, striving between life and death. It is But there are very still bad lot scenario. numbers are नॉट कमिंग आउट. अभी भी हमें नंबर्स मिलते हैं कुछ, और फिर बाद में कुछ और होता है. मुझे ऐसे कई बार, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत डिप्रेसिव हो जाता है मेरे लिए 24 घंटे न्यूज के बारे में पता करना. और यस ऑफ कोर्स, इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अपडेटेड, और मुझे हर चीजों का ख्याल रखना है, स्पेशली माई फैमिली एंड द लव्ड वंस. तो जो एवरी डे व्हेन आई गेट अप, आई थिंक मुंबई इज द ओनली स्टेट जो रेड जोन में है कंप्लीटली, और लॉकडाउन लोग सोच रहे हैं. बट आपको क्या लगता है, कब तक खुलेगा? व्हाट इज योर See, this is it is not depending upon what I think or anybody think. Nobody in the world can ever comment what is going to happen. It is just up to the virus. We actually have to go and ask the virus, what do you want, boss? That is the scenario. See, because extension of the lockdown is all as per on that particular day, how many cases are there, how many deaths happened, how much of cases are going severe, you know, and go not getting back to normal life. So this is the thing. According to that, the lockdown is projected. It is not a small thing. So as far as today's time is concerned, it is, I think it's gonna go at least for 2 to 3 months, because we are still not reached the peak. Once we reach the peak, and then when we start going down the peak, that is the cases start reducing. That is the only time we can slightly extrapolate that this is gonna happen. Now the tricky situation is if the lockdown is continuing, then only we can extrapolate. But if the lockdown is over and people again get together, then if somebody is there, then again there will be a swing of peak. There can be a second peak. Uh-oh. So it's a very tricky situation. That's why everybody has to follow the lockdown very, very sincerely, you know. And it is very, very important for the old people greater than 60, or mom and dad, children, and people who have pre-existing condition, not to take any risk. Follow all the Yeah. norms. I think everybody is aware about what we have to do, looking into all those videos. But then people are not doing it diligently. They have to practice it. And this is what we are doing. We are trying to inform them, you know, they should come out of this particular thing, ignorance, and please practice this. It is going to make a lot of difference. What happens is Then if the graph is flat, if the total number of cases at a certain at a particular point are less, even the healthcare people are able to take a better care. But if they go beyond a certain level, they are not paying attention, there is a sudden boom, then the healthcare infrastructure will not be able to take care of it. Things are going to collapse. And everybody is going to blame the healthcare, the ministry, and everything, not realizing that the loophole, the everything wrong is happening at their end. So it is very important for them to realize and come to this. Yep, थैंक यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्निश, आपका Thanks a lot. वैल्यूबल टाइम मिला हमें, एंड सो मच इन्फॉर्मेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग लॉट ऑफ योर एक्सपीरियंस. मुझे तो बहुत सारे सवाल करने हैं, बट आई नो कुछ चीजें मैं यहाँ नहीं पूछ सकती, बट डेफिनेटली थैंक यू सो मच. बट जाते जाते मैंने अपने बहुत एक अच्छे फ्रेंड से सुना है दैट यू सिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप, एंड That is one of the आप hobbies, गिटार भी yes. अच्छा बजाते हैं. You बट want me बहुत to? मैं एक शो के प्रमोशन में गई थी, तो मुझे ऐसे लगता था पहले, मुझे ऐसे लगता था कि डॉक्टर्स बहुत बोरिंग होते हैं, बट डॉक्टर्स हैव द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. Definitely, it is there. We have so many functions, so many conferences where we keep performing. We have so many people who are doing stand-up comedy, so many people who are into music, dance, and everything. So we are into this. Could you please sing for us also? Oh, okay. If you say so. Just a moment, yeah. Thank you. Thank you. Thank you for all of us. Yep. So one song which comes to my mind with this situation is this.
मेरी जमीन, ओ मेरी जमीन, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा कह जाल मेरी रहे न रहे। Network is दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। सरसों के भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला, कुर्बान हुआ तेरी अकमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। केसरी थैंक यू, thank you so much, we loved it, we all loved it, and I'm sure you enjoyed today's session, and hamare viewers ko to bahut acha laga, because they all were messaging since the time I have uploaded that you are going to be on the show, and light chat ki ek khasiyat ye hai ki aap edit nahi kar sakte ho aur aapka sab candid hota hai, so people connect with you a lot and they loved you, the kind of response I have got जब मैंने इसे story में upload किया था, and the kind of love they are showering now, I can't tell you, and thank you so much for thank you, thanks a lot, it was amazing talking to you. Everyone is praising you. Thank you so much, Dr. Agnes. Thank you. Take care of yourself. If you have anything from my side, any information, anything, I'm there. Definitely. For anybody. Thank you. But it was really fun and. Some issues with the network. Yeah, guys, I'm really sure you all have enjoyed today's session a lot. Thoda sa network issue to har koi face karta hai yaar, but he's a beautiful soul. I must say that ke itni difficult aur hectic life hone ke bawajood he made sure that ke wo हमारे साथ बात करें और बहुत सारी अवेयरनेस हमें दे, इंफॉर्मेशन जो आज हमें मिली है, प्लीज उन सारी चीजों को समझो, उन्हें निग्लेक्ट मत करो, डोंट टेक योर लाइफ सो इजी एंड डोंट टेक इट सो लाइटली, एंड जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. अब एक और सपोर्ट कर दो, प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. And once again, thank you, Dr. Agnes, for coming on the show. And it was really an amazing episode. Thank you.